हे गाइस, वेलकम टू ईएमई, इट्स अशान हियर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो थ्री प्लेसेस की जहाँ पे आप लोगों को इंटर्नशिप्स मिल सकते हैं। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो हु आई एम ईशान, एंड इस चैनल पे ईएमई पे मैं लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, एंड अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं उन्हें जितने भी टिप्स मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किए, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम एट माई लर्निंग फेज। सो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लर्निंग फेज के जर्नी से आप सबको यहाँ से जो भी मैं सीख रहा हूँ वो सब आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आप सब भी वो सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने लाइफ में, और जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप नहीं दोहराओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एक ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं टोटल किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला, मैं जो इंटर्नशिप को लेके एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है उसको मैं इस वीडियो में हटाने की कोशिश करूँगा, एंड दूसरा वो थ्री प्लेसेस जहाँ पे हम सब लोग इंटर्नशिप्स या फिर इंटर्न्स एज एन इंटर्न हायर हो सकते हैं, या फिर हम लोग एज इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं किसी कंपनी को, उसके बारे में बात करेंगे। एंड हमारा तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा पैसिव इनकम सोर्स, एक ही सिर्फ पैसिव इनकम सोर्स बताऊंगा, जो शायद आप अगर अभी से यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आज नहीं तो आज से ठीक एक साल बाद ही सही, बट आपके पास बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहला इंटर्नशिप के रिगार्डिंग जो एक मिथ है उसको मैं क्लैरिफाई यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो क्या है वो मिथ? वो मिथ है कि आजकल मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, किसी के लिए मतलब किसी के लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं, एंड फ्री में काम करना शुरू करते हैं, वो भी सर्टिफिकेट्स और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के लिए। लाइक ऑब्वियसली ये बुरा नहीं है, फ्री में काम करना इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ रॉन्ग कंसेप्ट, बिकॉज इससे आपका एक आपके अंदर एक जो लर्निंग एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। आप बिना पैसों के, बिना सेल्फिश चीज़ों के आप काम करना शुरू कर देते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट मोस्ट ऑफ द जो छोटे मोटे जो कंपनीज या फिर जो एज अ मतलब जस्ट एज अ स्टार्टअप अभी स्टार्ट हुई है, वो लोग ना इन सब का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं इन सब से एज एन इंटर्न इनके साथ काम कर लूँगा, इनसे मैं पूरा काम निकलवा लूँगा, एंड बदले में इन्हें बस एक फ्री का सर्टिफिकेट दे दूंगा। एक सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करने में मुश्किल से कितना, 20 रुपये, शायद 20 रुपये लगता हो। तो हमें क्या लगा आपको हायर करने में, आपसे जो एक महीना या दो महीना आपसे जितना भी मैंने काम कराया है उसमें एक्चुअली में आपको कितना रुपया मिल रहा है, 20 रुपये सिर्फ। सो द थिंग इज कि देखो, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से अभी तक मैंने जितने भी इंटर्नशिप्स किए हैं, जितने भी कंपनीज के लिए मैंने काम किए हैं ना, एक चीज़ तो इट्स डैम क्लियर कि कंपनीज आपसे जब भी इंटरव्यू लेती है या फिर आपके रेज्यूमे में आप कहीं पे सर्टिफिकेट अटैच करके नहीं दे सकते उन्हें। आप उन्हें रेज्यूमे दे सकते हो अपना बना के, हाँ, बट आप कोई सर्टिफिकेट्स नहीं देते, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ प्रूफ। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपसे आपकी एक्सपीरियंस को सुनेगी, एंड अगर आप झूठ बोलोगे ना तो आप आराम से पकड़े जाओगे। वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएंगे कि वो लोग, वो उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना इन सारे इंटरव्यू में, कि वो आपको समझ ही जाएंगे, आपसे थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन करके ही समझ जाएंगे कि आपने सच में एक काम किया भी है कि नहीं। सो कहने का मतलब क्या है कि उन्हें सच में सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है आपके झूठ को या आपके सच को पकड़ने के लिए। सो इसीलिए जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आ जाओ मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दूंगा, उनके लिए आई डोंट थिंक कि आपको मतलब एज अ फ्री काम करना चाहिए। बट हाँ, इफ़ यू वॉन्ट टू रियली लर्न, हाँ, फ्री में काम करो, बट थोड़े बड़े कंपनीज जो थोड़े मिडिल कंपनीज हैं, एकदम भी बड़े नहीं, थोड़े मिडिल कंपनीज, अगर आप उनके लिए फ्री में काम कर सकते हो एज एन इंटर्न, एज अ फ्री लांस, या फिर जैसे भी आप काम करना चाहते हो, देन इट वुड बी बेटर, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखा भी देगा, एट द सेम टाइम आपको सिखाने के साथ साथ वो आपका एक जो खुद का नॉलेज है एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में वो भी आपका इंक्रीज होगा। ओके, सो अब बात करते हैं हमारे वो थ्री प्लेटफॉर्म्स के जहाँ पे हम सब लोग जो है वो इंटर्नशिप्स पा सकते हैं, ठीक है। सो हमारा सबसे पहला प्लेटफॉर्म क्या है? हमारा सबसे पहला प्लेटफॉर्म है इंटर्नशाला। इंटर्नशाला इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मैंने वहाँ से पर्सनली मतलब लाइक अभी से ठीक बहुत साल पहले मैंने पर्सनली बहुत सारे इंटर्नशिप्स वहाँ से लिए हैं, फ्री एज वेल एज पेड, दोनों ही तरह के इंटर्नशिप मैंने लिए हैं। एंड द थिंग इज ना कि देखना, इट्स एंटायरली डिपेंड ऑन यू कि आप वहाँ से इंटर्नशिप कैसे लेते हो। लाइक ऑब्वियसली आपके साथ बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो आपके साथ वहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं सेम कंपनी के लिए, शायद वो भी अप्लाई कर रहे हो।
ऐसे समय में कंपनी जो है वो ट्राई करती है वो देखने का अपने बेस्ट इंटर्न को हायर करने के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे देखना, इंटर्नशाला में एक फीचर होता है कि व्हाई आई नीड टू हायर यू। उस फीचर, उस वो जो क्वेश्चन होता है ना, उसका जवाब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। लाइक अगर आपको कभी भी लगे कि ये कोई सवाल पूछ रहा है, तो हमेशा उस कंपनी के लिए क्या प्रॉफिट, मतलब आप किस तरीके से आप प्रॉफिट उनके लिए जनरेट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग ही आपके आंसर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंटेंट राइटिंग फॉर्म के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाई आई नीड टू हायर यू, तो आप अपने कंटेंट राइटिंग के एक्सपीरियंसेस उनको बताएंगे कि मैंने कंटेंट राइटिंग में ये चीज़ किया, एंड अगर आप मेरे को हायर करते हो, तो हो सकता है कि आपके कंपनी के लिए मैं और इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिख के आपको प्रोवाइड कर सकूं। ओके, आप ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म। हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है? एंजल लिस्ट। हाँ, एंजल लिस्ट पे आपको ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स मिल जाएंगे जो लाइक उसमें, और उसमें एंजल लिस्ट में और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म, लाइक अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आपको बता देंगे कि लाइक स्टार्टअप्स कौन से स्टार्टअप्स हैं जो अभी अभी जिनको फंडिंग मिला है, या फिर बहुत अच्छे से फंडेड है ये सब, या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे अच्छे से कंपनीज के बारे में। एंड आप फिर वहाँ एंजल लिस्ट में जाके आप लाइक बहुत सारे स्टार्टअप्स, या फिर जैसे भी अपना प्रोफाइल, अट्रैक्टिव प्रोफाइल बना के आप वहाँ पे उनके लिए लाइक अपना अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। ओके, अब जैसे आपको टू प्लेटफॉर्म्स मिल गए इंटर्नशिप के, कि आप यहाँ यहाँ से आप इंटर्नशिप जो है वो ले सकते हो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। आपको करना क्या है, एक और प्लेटफॉर्म जानना है जो कि सबसे मेन प्लेटफॉर्म है, एंड शायद अभी ये बहुत अच्छे से लाइक बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर रहा है ये प्लेटफॉर्म। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है लिंक्डइन। या लिंक्डइन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ रेज्यूमे। लाइक अभी जैसे हम लोग एक रेज्यूमे बना के कंपनीज को देते हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा ना, ऐसा समय आएगा जब शायद कंपनीज आपके रेज्यूमे आपसे मांगे ही नहीं, वो डायरेक्टली आपसे बोलेंगे कि आप मेरे को लिंक्डइन प्रोफाइल अपना भेज दो, मैं वहीं से देख लूंगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको अपना रेज्यूमे, लाइक सॉरी नॉट रेज्यूमे, आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल वो आपको अच्छा बनाना है, ठीक है। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बनाने के साथ फिर आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहे हो, तो आप जस्ट लाइक गूगल पे जाके लिखो डिजिटल एजेंसीज प्लस कोई लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता प्लस लिंक्डइन, तो वहाँ पे गूगल में आपको, या फिर आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं हैश टैग डिजिटल एजेंसीज एंड वगैरह, ये सारी चीज़ें टर्म जो कीवर्ड्स होते हैं वो आप सर्च कर सकते हो। एंड फिर आपको धीरे धीरे लिंक्डइन का एल्गोरिदम जो है वो आपको बहुत सारे जॉब्स ओपनिंग जो है वो अपने आप ही दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप एल्गोरिदम का भी फायदा उठा सकते हो, ताकि एल्गोरिदम आपको वही दिखाए जो आप देखना चाहते हो, ना कि वो आपको मैनिपुलेट करके वो सारी चीज़ें दिखाए जो वो आपको दिखाना चाहता है, ठीक है। सो ये तीन प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स आराम से पा सकते हो। बट हाँ, द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर इज कि आप जस्ट एक कंपनी के लिए अप्लाई करो एंड यू स्टार्ट से थिंकिंग कि हाँ मेरे को तो अब जॉब मिल जाएगा, ये कभी नहीं होगा। आपको कम से कम एक दिन में 50 से ज़्यादा कंपनीज के लिए अप्लाई करना होगा, एंड उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है, आपको अप्लाई करते रहना है अलग अलग कंपनीज में। बिकॉज अगर आप जब अप्लाई करना शुरू करते हो ना, तो आप बहुत कुछ सीखोगे। जैसे मैंने सीखा है, आज मैंने सीख कर ही, मैं कोई कोर्स नहीं किया हूँ, क्या जो कोर्स करके मैं आपको नहीं बताया हूँ, बट हाँ मैंने जो किए हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं सीखा हूँ अपने प्रैक्टिकल जर्नी से, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से जो मैंने सीखा है। सो इसीलिए मेक श्योर करना कि आप इन सारी चीज़ों के लिए आप अच्छे से आप इन सारी चीज़ों पे अच्छे से अप्लाई कर रहे हो, एंड बहुत सारी कंपनीज के लिए आप एक साथ एक टाइम पे ही अप्लाई कर रहे हो। तो रुको जरा, सबर करो। वेट वेट वेट, एक और चीज मैं बताना भूल गया। एंजल लिस्ट या इंटर्नशाला या फिर लिंक्डइन, कहीं पे भी आप लाइक रिमोट वर्क भी आप कर सकते हो, आपको अगर वर्क फ्रॉम होम करना है। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रहे कि ये गलती आपके साथ ना हो। हाँ, अगर आप इस गलती का अवॉइड कर ले रहे हो, देन आप वर्क फ्रॉम होम भी चूज कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं इंटर्नशिप जो बैक ऑफिस में भी आपको बुला के आपसे काम करवाते हैं। तो अगर आप बैक ऑफिस करते हो, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज उससे आपको एक इन्वायरमेंट, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में आप सीख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने सीखा था बैक ऑफिस में काम कर करके। सो
दीज थिंग्स. ओके, सो अब हमारा आता है लास्ट चीज जो मैं प्रॉमिस किया था आप सबके साथ, और वो क्या है? पैसिव इनकम सोर्स. हाँ, पैसा ही पैसा होगा. मस्त प्लानिंग. पैसिव इनकम सोर्स के लिए ये जो मेरे को लगता है कि अगर स्टूडेंट के लिए कोई पैसिव इनकम सोर्स होना चाहिए तो वो इनिशियल यानी कि बिगिनिंग में अगर वो हो सकता है तो वो है इन्वेस्टमेंट्स, थ्रू इन्वेस्टमेंट्स. हाँ, आजकल ऑब्वियसली आप जानते हो बहुत सारे ऐसे कंपनी लाइक ऐसे कंपनीज हैं या फिर जो ऐसे ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मैं मार्केटिंग नहीं करूँगा बट जस्ट आई एम सेइंग, जैसे ग्रो हो गया, जैसे अपस्टॉक्स हो गया, जैसे जीरोधा हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे आप आराम से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. आप मिनिमम से मिनिमम रुपीज में गोल्ड भी खरीद सकते हो. सो ये सारे चीज़ है, ये इन्वेस्टमेंट्स है. बिकॉज अगर आप एक चीज़ को, एक स्टॉक को या किसी भी चीज़ को आप खरीद के रखते हो अपने पास एंड उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो ना, देन ऑब्वियसली हो सकता है कि हाँ, अगर फंडामेंटली वो कंपनी स्ट्रांग रहेगी तो आपको आज से ठीक एक या दो या तीन साल बाद ऑब्वियसली एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स आपको बना के देगी. सो ये आप कर सकते हो. एंड हाँ, क्रिप्टो करेंसीज में भी आप आ सकते हो इफ़ यू वॉन्ट, क्योंकि आजकल इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को भी एज एन एसेट देखना शुरू कर दिया गया है. सो वहाँ पे भी आप जा सकते हो बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज इज मच मोर बेटर आई थिंक, मेरे ख्याल से. बिकॉज लाइक क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आप मिनिमम 100 या 150 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट्स अपना स्टार्ट कर सकते हो. सो या, दिस इज इट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू फील नेसेसरी कि हाँ, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.